हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज हाउ टू सिक्योर योर जीमेल अकाउंट। जी हाँ, सही सुना है। मेरा आज की वीडियो का ये मकसद है कि ताकि हर बंदा अपना गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट ऐसा सिक्योर करे कि भाई अगले बंदे के बाद अगर पासवर्ड भी चला जाए तो भी वो जीमेल अकाउंट ओपन ना कर सके। तो वीडियो के जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट पर जाना है। जीमेल अकाउंट पर जाने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। वहाँ पर आपको शो हो रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। आपने मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आपको शो होगा। इस इंटरफेस में आपने सिक्योरिटी का बटन ढूंढना है। सिक्योरिटी के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये तो हर बंदे को पता होगा, लेकिन इन दो चीज़ों का मैं मेन मकसद बताता हूँ। जो पहला मकसद है ना, यूज़ योर फ़ोन टू साइन। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा जीमेल में अपना पासवर्ड भी लगा देता है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगा। आप अपने फ़ोन का पासवर्ड लगाएंगे, फिर आप यस करेंगे तो उसके फ़ोन पे जीमेल लॉगिन हो जाएगा। उसके बगैर आपका जीमेल नहीं लॉगिन हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मसीद करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे आपने करना है। तो इसके लिए फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है। जब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ से आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आपका हस्बैंड आएगा, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कन्फर्म हो कि आप जिसका मोबाइल है, जिसका जीमेल है, वही ये काम सेटिंग्स ओपन कर रहा है या नहीं। फिर नहीं, यहाँ पर अब मैं फटाफट से अपना पासवर्ड लगा दिया। ये नहीं जी, मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब जब हमने इस पर नेक्स्ट कर दिया तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वो लोग कहेंगे कि हम आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक पेज भेजेंगे, आपने वहाँ पे यस करना है, फिर हम करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, भेज दो। हमने जब नेक्स्ट कर दिया, बाद में उनका ये जीमेल है, हमने कहा जी। उन्होंने नेक्स्ट कर दिया। अब आपके मोबाइल पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जैसा कि आपको स्क्रीन की साइड में नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, येस और नो। अगर आप नो कर देंगे तो नहीं होगा, अगर आप येस करेंगे तो हो जाएगा। आपने येस पे क्लिक कर देना। अब मैंने येस पे क्लिक किया, साइन इन अप्रूवल होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने टर्न ऑन कर लेना है, टर्न ऑन। अब ये टर्न ऑन हो गया, ठीक है। अब जो भी जीमेल ऑन करने का पासवर्ड लगाएगा, अगर वो लॉगिन करेगा, फिर सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा। आप अपना पासवर्ड लगाएंगे मोबाइल की स्क्रीन का तो वो बंदा लॉगिन कर सकता है, ठीक है। अब जहाँ पे बात आती है जी दूसरे स्टेप की, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है। दूसरे स्टेप में आपका जो काम है बेसिक, वो आपका ये होगा कि मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे आप देखें ब्लू टिक लग गया, इसका मतलब है ये हमारी अब प्राइवेसी ओन है। मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा भी कि आप अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कैसे कर सकते हैं। अब टू स्टेप वेरीफिकेशन, टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, सिम एक्टिव होनी चाहिए, और वो सिम आपने नंबर लगाना है जो आपका लाइफ टाइम एक्टिव रहे। तो चलें चलते हैं, मैं अब यहाँ पर ऑन करता हूँ टू स्टेप वेरीफिकेशन। यहाँ पर कहते हैं जी आप अपना लगाएं, मैंने यहाँ पर कहा ठीक है ओके, गेट स्टार्ट। अब यहाँ पर गेट स्टार्ट कर दिया, यू आर यूजिंग साइन फूड टू साइन इन, हमने कहा ओके। इसका कहने का मतलब है कि भाई अब हमें आप पहले बताएं कि आपके फ़ोन की प्राइवेसी लगी है। आपके फ़ोन पे आपको पेज आया होगा, वहाँ पे अब येस और नो करें तो आपके फ़ोन पे आएगा। मैं मेरे यहाँ पे भी इस टाइम शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे कहा येस आई एम। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर उन्होंने कहा भाई आप अपने फ़ोन का पासवर्ड दें, जैसे हमने ऊपर प्राइवेसी लगाई थी अब वो लगा दिया। अब यहाँ पर शो होगा जी आप हमें बताएँ कि ये देखें सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन कोड आएगा। और यहाँ पर अगर मैं कोड लगाऊँगा तो मेरा यहाँ पर कोड आ चुका है, कोड है 21 21 77 77 65 65। अब यहाँ पे मेरा कोड आ गया। अब मैंने कोड लगा के जब इसको नेक्स्ट किया तो यहाँ पे ये मेरा टर्न ऑन हो गया। अब आप यकीन माने किसी बंदे के पास आपका पासवर्ड होगा भी तो वो आपका जीमेल अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। इवन कि मैं खुद भी अपना जीमेल अकाउंट जब तक गूगल वेरीफाइड नहीं करेगा कि मैं खुद दूँ, तब तक मैं ओपन नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूँ यार ये बंद हो जाए। अब मैंने यहाँ पर टू स्टेप वेरीफिकेशन पर क्लिक किया, मैंने कहा यार ये ओपन चाहिए। अब जट से यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ यार इसको मैं बंद करूँ, तो यहाँ पे आपने सिंपली टर्न ऑफ पे क्लिक कर दिया। अब आपने ये टर्न ऑफ कर दिया, टू स्टेप वेरीफिकेशन टर्न ऑफ है। अब जो दूसरा वेरीफिकेशन आपने किया था ना, ये दोनों वेरीफिकेशन ऑफ हो गए हैं, ठीक है। अब आगे और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बने, इस टॉपिक पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जो अगली वीडियो है मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ ताकि आपको और मुझे ग्रो में मदद मिल सके। तो अगली